हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए, एक बार फिर से आपका केशवानंद ऑनलाइन क्लास में वेलकम। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 4 में इम्यूनिटी और इम्यूनिटी के टाइप्स, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी, मीन्स प्रतिजन और प्रतिरक्षा। देखिए पहले हम लोग बात करते हैं एंटीजन की। एंटीजन क्या होते हैं या प्रतिजन क्या होते हैं, व्हाट आर द एंटीजन। देखिए ये ऐसे बाह्य कारक हैं, बाह्य कारक मीन्स बॉडी के लिए, बॉडी के बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है ना। तो ये ऐसे बाह्य कारक होते हैं जो शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, ओके। और शरीर के अंदर प्रवेश करके हमारे शरीर में जो बी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट जानते हैं क्या होता है, क्या होता है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इज ए टाइप ऑफ WBC, है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं का एक प्रकार है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो उस बी लिम्फोसाइट को एक्साइट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो प्लाज्मा सेल्स तैयार करें। फिर वो प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी तैयार करती है, क्यों, उस एंटीजन को किल करने के लिए, उस बाह्य कारक को ख़त्म करने के लिए, है ना। तो एंटीजन क्या हुए, एंटीजन वे बाह्य कारक होते हैं जो शरीर के अंदर प्रवेश करके हमें रोगी बना देते हैं या शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे कारकों को या ऐसे बाह्य कारकों को प्रतिजन या एंटीजन कहा जाता है, है ना। तो एंटीजन क्या है, which create disease in our body, ठीक है ना। Antigens are external factors which create disease in our body, मतलब प्रतिजन वे बाह्य कारक होते हैं जो हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए ये जो एंटीजन होते हैं ना बेटा, ये किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीजन यानी कि इसको बोलते हैं हम प्रतिजन, ये शरीर में प्रवेश करेंगे, एंटर होगा बॉडी में, और शरीर में प्रवेश करने के बाद ये जो बी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करते हैं, तो ये बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल तैयार करेंगे, प्लाज्मा कोशिका, ठीक है ना। और फिर ये प्लाज्मा कोशिका एंटीबॉडी तैयार करती है, एंटीबॉडी बोलते हैं प्रतिरक्षी, ठीक है। और फिर ये प्रतिरक्षी क्या काम करेगी, खत्म, किल द एंटीजन, ठीक है। तो एंटीजन एक्चुअली में हम लोग इसको किस तरह से डिफाइन करें, एंटीजन आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, द फॉरेन मैटर विच एंटर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। इट स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है ना। ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर जो बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं कि वो एंटीबॉडी जनरेट करे या एंटीबॉडी तैयार करे। तो ऐसे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंटीजन, ओके।
हिंदी मीडियम वाले भी सुने, प्रतिजन ऐसे बाह्य कारक होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं एंटीजन। देखिए, जैसे कोई भी बाह्य कारक आपके शरीर में प्रवेश करता है ना, और वो आपके जो इम्यून सिस्टम होता है उसको चैलेंज करता है कि देख मैं अब शरीर में आ गया हूँ, तेरे से जो बन पड़े वो कर ले, है जो तू कर सके वो कर ले, ऐसा कहता है। फिर हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि पहले तो उसको देख के आएगा कि वो कैसा है ना, उसके हाथ में कोई हथियार तो नहीं है, है ना, कोई औजार तो नहीं है ऐसा जिससे वो नुकसान पहुंचा दे। फिर वो वापस से जाएगा और लिम्फोसाइट से कहेगा कि भाई इस तरह का एक फॉरेन पार्टिकल, एक बाह्य कारक शरीर में घुस आया है और उसकी ये शेप है, ऐसी आकृति है, उसके पास ये हथियार है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिम्फोसाइट क्या तैयार करेगी, प्लाज्मा कोशिका, और प्लाज्मा कोशिका फिर एक एंटीबॉडी तैयार करेगी कि जो उस एंटीजन को ख़त्म करने में सक्षम हो। तो इस तरह से एंटीजन को किल किया जाता है, एंटीजन को खत्म किया जाता है, ठीक है। तो एंटीजन क्या हुए, ये बाह्य कारक होते हैं, है ना, क्या होते हैं, बाह्य कारक, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, या फिर इस भाषा में कहें हम लोग तो ये हमारे जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको प्रेरित करते हैं कि वो एंटीबॉडी तैयार करे, यानी कि प्रतिरक्षियों का निर्माण करे। अब हम आगे बात करेंगे कि एंटीजन वाकई में होता क्या है। देखिए बेटा, एंटीजन जो होते हैं ये रासायनिक रूप से प्रोटीन हो सकते हैं, है ना, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है। एंटीजन रासायनिक दृष्टि से क्या क्या हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं। केमिकली एंटीजन्स में भी क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन है ना, पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये हो सकते हैं। तो रासायनिक दृष्टि से प्रतिजन क्या क्या हो सकते हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, तो ये तो सारे बाह्य कारक ये हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे शरीर की कुछ सेल, कुछ कोशिकाएं भी एंटीजन की तरह व्यवहार कर सकती हैं, जैसे कैंसर सेल, नाम सुना होगा ना इस बीमारी का, कैंसर है ना, तो कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी एज एन एंटीजन की तरह बिहेव करती है, प्रतिजन की तरह कार्य करती है। तो ये हमारे शरीर की ही कोशिका है, बाहर से प्रवेश नहीं किया इसने, ये हमारे शरीर की कोशिका होती है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से प्रतिरक्षी निर्माण की क्रिया को प्रेरित करके बढ़ाती है। तो ये तो हो गए इंटरनल एंटीजन, आंतरिक प्रतिजन।
आंतरिको प्रतिजन, ये शरीर की कोई कोशिका होती है जो प्रतिजन के तरह कार्य करना शुरू कर दे, है ना। इसका एग्जांपल है आपका कैंसर सेल, ठीक है। और ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो बाह्य वातावरण से शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, यानी कि शरीर का हिस्सा नहीं होते हैं। अब उनमें प्रतिजन प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है, लिपिड हो सकता है और न्यूक्लिक एसिड हो सकता है। ये तो बात हुई बेटा कि रासायनिक दृष्टि से प्रतिजन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रतिजन होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट है ना, यानी कि आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान कितना होता है पता है? 6000 डाल्टन। प्रतिजन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? लगभग 6000 डाल्टन। कितना होता है? लगभग 6000 डाल्टन। और एक डाल्टन जो होता है, 1 डाल्टन इज इक्विवेलेंट टू 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। एक डाल्टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम के बराबर होता है एक डाल्टन, है ना। और प्रतिजन का आणविक द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन एंटीजन कितना होता है? 6000 डाल्टन। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो एंटीजन होते हैं, है ना, इन पर 6 से 8 एमिनो एसिड्स की एक चेन होती है जिसको हम एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या प्रतिजनी निर्धारक कहते हैं। तो यहाँ पे तो एक एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुननी है, और यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप क्वेरीज डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। अब तो हिंदी मीडियम वालों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। सब कुछ हिंदी में भी लिख रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि एंटीजनी निर्धारक, एंटीजनी निर्धारक जिनको बोलते हैं एंटीजनी डिटरमिनेंट, होते हैं एंटीजेनिक निर्धारक क्या होते हैं? देखिए, कोई भी एक एंटीजन, सपोज करो ये एक एंटीजन है, है ना, ये प्रतिजन है, तो इस पर 6 से 8 6 to 8 एमिनो एसिड एक चेन होती है, 6 से 8 एमिनो अम्लों की श्रृंखला होती है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंटीजेनिक डिटरमिनेंट यानी कि एंटीजेनिक निर्धारक। ये वो स्थान है, ये वो साइट है जहां ये एंटीबॉडी के साथ जुड़ेगा। भाई एंटीजन क्या है? बाह्य कारक है, रोग उत्पन्न करेगा, और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में इसको मारने के लिए, इसको किल करने के लिए एंटीबॉडी बनेगी, है ना। तो वो जो एंटीबॉडी है वो इस पूरे के पूरे प्रतिजन के साथ नहीं जुड़ेगी, वो सिर्फ इसके इतने से भाग के साथ जुड़ती है ना। तो ये जो भाग होता है एंटीजन का, इसको हम बोलते हैं एपिटोप। हिंदी में भी एपिटोप ही कहते हैं इसको,
क्या बोलते हैं इनको, एपिटो है ना, यानी कि एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं एपिटो। प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है ना, उसको एपिटोप कहते हैं। आर्य बात समझ में, प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी के साथ जुड़ता है उसे एपिटोप कहते हैं, है ना। और ये जो एपिटोप है ये 6 से 8 एमिनो अम्लों का बना होता है। एपिटोप कितने एमिनो अम्लों का बना होता है? 6 से 8। और ऐसे कई एपिटोप एक एंटीजन में हो सकते हैं, ऐसे कई एपिटोप एक एंटीजन हो सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 बताए है ना, और हर एक एपिटोप में कितने एमिनो एसिड रहेंगे? 6 से 8। ठीक है, अब किसी भी एंटीजन में कितने एपिटोप हैं इसको हम उस एंटीजन की संयोजकता कहते हैं, बैलेंस है ना, इसको क्या कहेंगे? संयोजकता। बैलेंसी ऑफ एन एंटीजन, बैलेंसी ऑफ एन एंटीजन क्या है? नंबर ऑफ एपिटोप ऑन एन एंटीजन इज कॉल्ड बैलेंसी ऑफ एन एंटीजन। मतलब एक एंटीजन पे कितने एपिटोप हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? उस एंटीजन की बैलेंसी, संयोजकता कहते हैं। और ईच एंड एवरी एपिटोप कंटेन 6 to 8 एमिनो एसिड्स, ईच एंड एवरी एपिटोप कंटेन्स 6 to 8 एमिनो एसिड्स। ओके बेटा, तो इसको हम एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या एंटीजेनिक निर्धारक भी कहते हैं। तो एंटीजेनिक निर्धारक या एंटीजेनिक डिटरमिनेंट क्या हुआ, किसे कहते हैं? वे पार्ट जो एंटीजन का वो पार्ट जो एंटीबॉडी के साथ कनेक्ट होता है, जुड़ता है, उसको हम एंटीजन डिटरमिनेंट कहते हैं। इसको एपिटोप भी कहा जाता है, और एक एपिटोप 6 से 8 एमिनो अम्लों से मिलकर बनता है, और एक एंटीजन में जितने एपिटोप होंगे उसको हम उस एंटीजन की बैलेंसी यानी कि संयोजकता कहते हैं। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरीज में मुझसे फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। एंटीजन के बारे में ये बात तो मैंने आपको बताई कि एंटीजन बाह्य कारक है, तो रासायनिक रूप से क्या हो सकते हैं? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, है ना। और ये आंतरिक है, तो आंतरिक में मैंने बताया था कैंसर कोशिका है ना, वो भी एंटीजन की तरह बिहेव करती है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसका मॉलिकुलर वेट कितना होता है, आणविक द्रव्यमान एंटीजन का 6000 डाल्टन, और एक डाल्टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है ये बताया। इसके बाद मैंने बताया एंटीजेनिक डिटरमिनेंट यानी एंटीजेनिक निर्धारक, एपिटोप और बैलेंसी, ठीक है। और जो बैलेंसी होती है ना एंटीजन की, ये सबसे ज़्यादा होती है बेटा बैक्टीरिया में, लगभग 100 है ना। मतलब बैक्टीरिया यानी कि जो जीवाणु होते हैं उनका जो एपिटोप होते हैं एक एंटीजन पे वो लगभग 100 होते हैं। एक बार बताऊँ मैं आपको, जितने ये होंगे ना उसको ख़त्म करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि उतनी ही जगह एंटीबॉडीज के साथ जुड़ेगी और उतनी जल्दी ये ख़त्म होगा। अरे बस समझ में, और जितने कम एपिटोप होंगे उसको ख़त्म करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें एपिटोप कितने होते हैं? लगभग 100 है ना, 100 होते हैं। तो उनको ख़त्म करना बहुत ही आसान होता है, बजाय किसके पता है, जो आजकल चल रहा है वायरस है ना, जो विषाणु होते हैं उनको ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल है। ओके, देखिए अब हम लोग बात करते हैं
एंटीबॉडी प्रतिरक्षी।